Welcome back again. We are talking about modifications of adventitious root system. In the last lecture, we had discussed about the modifications of taproot system. Modifications अलग-अलग तरह से हो सकती हैं, लेकिन हमने सभी तरह की modifications को हम तीन तरह से classify करेंगे. पहला, adventitious root अगर storage में मतलब storage के लिए जो है modify हो जाए, flashy root बन जाए, कुछ store कर रही है. या इसके अलावा अगर एडवेंटिशियस रूट कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाए कि वो किसी तरह का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराए या फिर इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट फंक्शन करे, है ना. इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हम वाइटल फंक्शन की कैटेगरी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो अब हम सबसे पहले इसकी लिस्ट बनाएंगे कि एग्जैक्टली हम किन तीन क्लासेस में पढ़ने वाले हैं एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशंस को. तो फर्स्ट हम लोग स्टोरेज पढ़ेंगे कि अगर हमारी जो एडवेंटिशियस रूट है वो स्टोरेज का काम कर रही है. स्टोरेज का मतलब है कि अगर जो एडवेंटिशियस रूट है वो फूड को स्टोर कर ले तो उसमें किस किस तरह की बदलाव आ सकते हैं, किस किस तरह के उसमें स्ट्रक्चर्स बनेंगे. तो जब हम लोग स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज में स्ट्रक्चर के बेस पे कुछ इस प्रकार की रूट होंगी, जहां पर हम लोग ट्यूबरस रूट को स्टडी करेंगे पहले. सो वी विल टॉक अबाउट द ट्यूबरस रूट. कहने का मतलब है कि जो रूट है उसके अंदर फूड स्टोर इस प्रकार हो रहा है कि मतलब कोई पर्टिकुलर शेप भी नहीं आ रही. जैसे मान लीजिए आपने शकरकंदी देखी होगी, राइट, जिसको हम लोग स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं. तो इस तरह की रूट को ट्यूबरस रूट कहा जाता है. मैं आपको समझाऊंगा अभी. सेकेंड वी विल टॉक अबाउट फैसिक्यूलेटेड रूट. फैसिक्यूलेटेड रूट. इसके अलावा हम थर्ड बात कर लेंगे पाल्मेट रूट की. मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा कि इनका नाम एज इट इज ऐसा क्यों है. सो पाल्मेट रूट एग्जांपल्स के साथ. फोर्थ हम लोग बात कर लेंगे यहां पर नोड्यूलस रूट की. लेट्स से जहां नोड्यूल फॉर्म हो रहे हैं. सो नोड्यूलस रूट. फिफ्थ हम लोग बात करेंगे मोनिली फॉर्म रूट की. सो अ रूट कैन बी मोनिली फॉर्म. मोनिली फॉर्म. मोनिलीफॉर्म बेसिकली बीडेड रूट को बोलते हैं कि एक बीड जैसी संरचना है, एक जो है ना मोतियों की माला जैसी संरचना हमें मिल रही है. सिक्स वी विल टॉक अबाउट एन्यूलेटेड रूट. मतलब जहां कुछ रिंग्स की फॉर्म में हमें एन्यूलेटेड रूट, जहां हमारे पास रिंग्स की फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर है. तो मॉडिफिकेशन में सबसे पहला मॉडिफिकेशन हम स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे, और स्टोरेज में भी अलग अलग शेप्स को हम स्टडी कर सकते हैं. इसके अलावा और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है. तो दूसरा, हमारे पास जो रूट हो सकती है स्टोरेज के अलावा, उसका काम हो सकता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना. आपने बरगद के पेड़ में कई बार देखा होगा कि ब्रांचेस से कुछ रूट निकल के आती हैं जो फिर अर्थ को टच करती हैं, पिलर्स की तरह काम करती हैं. तो कुल मिला के अलग अलग तरह की रूट्स हो सकती हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएं. मैकेनिकल सपोर्ट में हम जिन रूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉप रूट. प्रॉप रूट सबसे कॉमन रूट है, आप इनके बारे में जानते भी होंगे. दूसरी हम लोग पढ़ेंगे स्टिल्ट रूट. स्टिल्ट रूट. थर्ड टाइप की रूट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी क्लाइंबिंग रूट. दैट इज क्लाइंबिंग रूट. और जो फोर्थ रूट हमें स्टडी करनी है दैट इज गोइंग टू बी ब्यूट्रस या ब्यूट्रस रूट. So, ये हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट में आ गया. मतलब अगर हमारे पास हम मैकेनिकल सपोर्ट की बात करें, इसके अलावा एक रूट इसके अलावा कुछ और वाइटल फंक्शंस भी कर सकती है. तो जो थर्ड कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे एनी अदर फंक्शन, तो हम इसको वाइटल फंक्शंस कर रहे हैं कि अगर कोई रूट इन फंक्शंस के अलावा मतलब मैकेनिकल पर्पस या स्टोरेज पर्पस के अलावा किसी भी तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो वो उसके लिए वाइटल है, नेसेसरी है, इसलिए वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है. इसमें हम अलग अलग तरह की रूट्स पढ़ेंगे, जैसे कि एपीफाइटिक रूट. एपीफाइटिक रूट, राइट, क्या होती है हम बात करेंगे. फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव रूट, मतलब ऐसी रूट जो रिप्रोडक्टिव रूट की तरह काम कर रही है, जिनसे नया प्लांट या नया स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो रहा है, है ना. या अलग अलग तरह की हम लोग रूट्स पढ़ सकते हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक रूट हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. ऐसी रूट जो ग्रीन पार्ट होकर के फोटोसिंथेसिस का काम कर रही है, सो दैट इज फोटोसिंथेटिक रूट. इसके अलावा वी कैन टॉक अबाउट लेट्स से फोलियर टाइप ऑफ रूट. मैं एग्जैक्टली आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या होती है. वी विल हैव फोलियर टाइप ऑफ रूट, या फिर इसके अलावा सकिंग टाइप ऑफ रूट.
सकिंग रूट। देखिए अभी आगे पढ़ाते टाइम मैं आपको इनके अलग अलग नाम भी बताऊंगा, जैसे कि अगर हम बात करें तो सकिंग रूट को हम लोग बोल सकते हैं एसिमिलेटरी रूट ऑल्सो, ये एसिमिलेशन का काम करती हैं, नरिशमेंट को अब्सॉर्ब करने का काम करती हैं, तो एसिमिलेटरी रूट। इनकी डिटेल हम लोग जो है आगे देखेंगे कि किस किस तरह की रूट जो है होती है, या हम लोग कह सकते हैं क्लाइंबिंग रूट भी हो सकती है हमारे पास, ऐसी रूट जो किसी भी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर रही है उसे हम लोग क्लाइंबिंग रूट कहेंगे, वी कॉल इट एज क्लाइंबिंग रूट। ठीक है, मींस अलग अलग फंक्शंस होती हैं। बहुत सारी रूट पैरासाइटिक रूट भी होती हैं, ठीक है, तो बहुत सारी रूट जो है हमारे पास पैरासाइटिक रूट भी होती हैं, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, एपीफाइटिक रूट को एरियल रूट भी बोलते हैं, एपीफाइटिक रूट को हम एरियल रूट भी जो है बोल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और किस तरह की रूट हो सकती है, जैसे कि फ्लोटिंग रूट हो सकती है हमारे पास, मतलब अलग अलग तरह की हम लोग रूट्स की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, वी कैन हैव एट दैट इज फ्लोटिंग रूट ऑल्सो। फ्लोटिंग रूट और भी जिस टाइम हम पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग बात करेंगे कि किस किस तरह की हम लोग रूट की बात करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए ये मैंने अभी आपसे सिर्फ इतना सा कहा कि हम मॉडिफिकेशंस को तीन वे में क्लासिफाई करेंगे, पहला स्टोरेज पर्पस के लिए, दूसरा किसी मैकेनिकल पर्पस के लिए, और तीसरा अगर कोई भी वाइटल फंक्शन वो परफॉर्म कर रही है तो। सबसे पहले हम बिना किसी डिले के आज जो शुरू कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी स्टोरेज रूट, ऐसी रूट जिनका पर्पस स्टोरेज है, सो दैट इज कॉल्ड स्टोरेज रूट। देखिए फूड को स्टोर कर रही है ना, प्लांट के लिए फूड को स्टोर करती है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्यूबरस रूट, फर्स्ट जो रूट की हम बात कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी ट्यूबरस रूट। नाउ ट्यूबरस रूट को हम लोग एक और टर्म देते हैं दैट कॉल्ड सिंगल रूट ट्यूबर, सिंगल रूट ट्यूबर। देखिए एक बात आप समझिए, लास्ट वाले क्लास के डिस्कशन से, मतलब जब हमने टैप रूट पढ़ा था तो मैंने वहां आपको बताया था ट्यूबर्स का मतलब होता है जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। तो यहां पर होता क्या है कि एडवेंटिशियस रूट के अंदर फूड स्टोर हो गया, राइट, मतलब फूड जो है स्टोर हुआ, तो ये स्वेलन रूट बन गई, लेकिन इनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, ये सिंगली ग्रो करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखने हैं तो हम क्या याद रखेंगे, ट्यूबरस रूट ऑलवेज ग्रो सिंगली, मतलब क्लस्टर में नहीं मिलेगा, एक एक शकरकंदी अलग अलग लगती है, सो ऑलवेज ग्रो सिंगली, हमेशा ये सिंगली ग्रो करेगी, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, इट डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप और एनी फिक्स्ड शेप, ये दो बातें जो है हमें ध्यान रखनी है कि रूट जो है इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है और ये सिंगल होते हैं। इसका एग्जाम्पल जो हम लोग लेते हैं दैट इज गोइंग टू बी स्वीट पोटैटो, जिसका साइंटिफिक नेम है आइपोमिया पटाटा, राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, द एग्जाम्पल इज स्वीट पोटैटो, वी विल हैव स्वीट पोटैटो, इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज आइपोमिया बटाटास, राइट, सो दिस इज द साइंटिफिक नेम। मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखा देता हूं सो दैट ये चीज आपको क्लियर हो जाए। नाउ इन दिस डायग्राम व्हाट यू कैन सी एवरीवन कि हमारे पास यहाँ सिंगली लगी हुई है, ये है ना, सो सिंगल रूट है जो जनरली ये हमारे पास जो है इसकी ब्रांच जो है इस तरह से ट्रेवल कर रही है, और ये नीचे जो एपीफाइटिक रूट्स हैं ये स्वेल होकर के इन्होंने हमारे पास फूड स्टोर कर लिया है। अगर आप इसकी शेप देखें तो आप ये पाएंगे कि इसकी किसी तरह की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, सो इस तरह का एग्जाम्पल हमारा ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल होता है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि फैसिकुलेटेड रूट क्या होती हैं, तो फैसिकुलेटेड रूट में कुछ भी नया नहीं है, ये एक तरह की ट्यूबरस रूट की तरह ही होती हैं, लेकिन ये क्लस्टर में पाई जाती हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। सो अगर हम लोग फैसिकुलेटेड रूट की बात करें दैट व्हाट इज फैसिकुलेटेड रूट, सो फैसिकुलेटेड रूट आर अ काइंड ऑफ ट्यूबरस रूट ओनली, सो इस बात को हम लिख लेते हैं कि एक तरह की ट्यूबरस रूट ही है, सो ट्यूबरस रूट फाउंड इन क्लस्टर, तो ये हमें क्लस्टर के अंदर मिलती है, मतलब इस तरह से हमें ग्रुप के अंदर मिलती है। इसका जो हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे दैट इज डहलिया। अब आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखा देता हूं।
सो इन दिस पिक्चर व्हाट यू कैन सी दैट कि यहाँ पर ये ट्यूबरस रूट ही है, लेकिन ये एक क्लस्टर के अंदर प्रेजेंट है, राइट? तो एक क्लस्टर के अंदर प्रेजेंट होती है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है डहलिया प्लांट का। थर्ड अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक रूट होती है जिसे हम लोग पाल्मेट रूट बोलते हैं। देखिए जो पाल्मेट वर्ड आया है वो पाम से आया है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्लैशी रूट है वो इस तरह से थिक हो जाती है, जैसे कि ह्यूमंस का हाथ होता है ना, हमारा पाम है, उसमें फिंगर की तरह भी प्रोजेक्शंस निकली होती हैं। सो यहाँ पर फ्लैशी रूट एक तरह की ट्यूबरस रूट ये भी। सो फ्लैशी रूट अज्यूम्स द शेप ऑफ ह्यूमन पाम। सो ह्यूमन पाम की तरह जो है इसकी शेप हो जाती है, दैट इज व्हाई इसका हमारे पास जो एग्जाम्पल मिलता है दैट इज ऑर्किस। तो अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाऊं तो ये ऑर्किस के अंदर हमें ये पाल्मेट रूट देखने को मिलेंगी। अगर आप अब इस एग्जाम्पल के अंदर देखें तो आपको इस एग्जाम्पल में ये देखने को मिलेगा कि ह्यूमन पाम के जैसे दिखाई दे रही हैं, दैट्स व्हाई इन रूट्स को हम लोग पाल्मेट रूट कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जैसे हम लोग नोड्यूलस रूट बोलते हैं, अगली वाली जो अगर हम रूट की बात करें, सो दैट इज कॉल्ड नोड्यूलस रूट। देखिए नोड्यूलस रूट में एग्जैक्टली होता क्या है कि जो रूट की टिप होती है वहां पर एक स्वेलिंग मिलती है हमें, इतनी सी बात है। हमारे पास स्वेलिंग जो होगी मतलब रूट के अंदर वो टिप के पास होगी, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट। सो इन नोड्यूलस रूट द स्वेलिंग ऑफ रूट अकर नियर द टिप। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, इसे हम लोग नोड्यूलस रूट बोलते हैं। आप सभी ने हल्दी देखी होगी, एग्जाम्पल इसका टर्मरिक है, टर्मरिक हल्दी बोलते हैं। हालांकि इसकी कोई एज्यूम फिक्स शेप नहीं होती है, बट रूट की जो है टिप होती है वहां जाकर के स्वेल हो जाता है टर्मरिक। अब टर्मरिक का प्लांट आप एग्जैक्टली होता क्या है कि टर्मरिक के प्लांट में ऊपर वाली ब्रांचेस सूख जाती हैं, नीचे हल्दी बनती रहती है। अभी टर्मरिक में से फिर दूसरे सीजन में से प्लांट निकल आता है। आप जानते हैं कभी भी अगर कोई रूट स्वेल कर रही है, फ्लैशी हो रही है, तो अपना फूड इसलिए स्टोर करती है ताकि फ्यूचर में वो फूड उसके काम आ सके, उस रूट के जो है काम आ सके। समझ में आया? अगली जो हम लोग बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी मोनिली फॉर्म या फिर बीडेड रूट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे पास ये रूट होती है, आई गेस हम 6 रूट की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोनिली फॉर्म रूट। मोनिली फॉर्म रूट में मैंने आपको बताया था कि बीडेड जैसी अपीरियंस आती है, तो हम इसे बीडेड रूट भी कहेंगे। अब मोनिली फॉर्म रूट में एग्जैक्टली होता क्या है कि रेगुलर इंटरवल्स पे नेकलेस के बीड्स के जैसे स्वेल कर जाती है। मतलब एट रेगुलर इंटरवल हमें क्या देखने को मिलेगा, एट रेगुलर इंटरवल बीडेड लाइक स्वेलिंग अपीयर्स। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता दूं तो बहुत सी कुछ ग्रासेस होती हैं जिनमें ये मिलता है। इवन अगर हम लोग जो है बैसिला प्लांट को देखें, जिसको हम लोग जो है सिंपल पॉट्यू लेका भी बोल देते हैं, उसमें हमें ये देखने को मिल जाएगा, है ना? तो ले मी जस्ट शो यू। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह विजिबल है नहीं, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि कुछ इस तरह से बीडेड रूट हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, है ना? इस तरह से बीडेड रूट मिलती है हमें, रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ स्वेलिंग्स आई हुई होती हैं, इसीलिए हम इसे मोनिली फॉर्म रूट या फिर बीडेड रूट कह देते हैं। देखिए इस सेकेंड एग्जाम्पल में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से विजिबल है कि हमारे पास ये बीडेड रूट अपीयरेंस हो रही है। ये एक जीनस है जिसका नाम है मोमोर्डिका। जीनस के अंदर हमें इस तरह की जो मोनिली फॉर्म रूट है या बीडेड रूट है मिलती है। आपने करेले का प्लांट देखा होगा, करेले का जो जीनस है वो भी मोमोर्डिका का ही होता है, मतलब इस तरह का ही हमारे पास प्लांट होता है। और कुछ ग्रासेस हैं जहां हमें मोनिली फॉर्म रूट देखने को मिलती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग अगर बात करें तो लास्ट जो हमने अपने डिस्कशन में बात करी 6th और 7th जो भी है ये, दैट इज कॉल्ड एन्यूलेटेड रूट्स। मतलब इसमें रिंग जैसी अपीयरेंस मिलती है, तो दैट इज कॉल्ड एन्यूलेटेड रूट्स। एन्यूलेटेड रूट्स के अंदर होता क्या है कि यहाँ पर सीरीज ऑफ रिंग जैसी आउटग्रोथ या स्वेलिंग मिलती है हमें, ठीक है? सो वी विल हैव रिंग लाइक स्वेलिंग्स
अच्छा, इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास साइकोट्रिया है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास जो होता है दैट इज कॉल्ड साइकोट्रिया, राइट, जिसका साइंटिफिक नेम हमारे पास आई पैक है, PECACपैकैक रादर, दिस इज द साइंटिफिक नेम। मैं आपको इसका डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इन केस अगर आपको यहाँ पर ये विजिबल है कि यहाँ पर हमारे पास रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है कि ये जो रूट है इसमें सीरीज ऑफ रिंग लाइक आउटग्रोथ या स्वेलिंग्स बन जाती है। यहाँ पर अगर आप इस तरह से देख पा रहे हैं तो ये स्वेलिंग्स हैं। साइकोट्रोकिया जिसे आईपैकैक भी कह रहे हैं, इसकी अपनी मेडिकल इंपॉर्टेंस होती है ना, इसकी फार्माकोलॉजिकल काफ़ी इंपॉर्टेंस है। बहुत सी जगह इसकी रूट को ड्राई करके इसकी टी भी बनाई जाती है, चाय भी बनाई जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हमने स्टोरेज ऑफ द रूट के बारे में डिस्कशन करा। स्टोरेज ऑफ रूट के बारे में मैंने आज आपको जो बातें बताई वो यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो स्टोरेज रूट है इसमें एडवेंटिशियस रूट थिक हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है, क्योंकि इसमें फूड स्टोर हो रहा है। अलग अलग टाइप के होते हैं, इनकी शेप और प्लेस कहाँ पर इनका स्वेलिंग जो है हुई है उसके हिसाब से हमने बात करी कि ट्यूबरस रूट या फिर सिंगल रूट ट्यूबर हो सकता है, जहाँ पर हमारे पास स्वेलन रूट में कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ये सिंगल होते हैं। फिर हमने फैसिकुलेटेड फ्लैशी रूट की बात करी, जहाँ पर ये क्लस्टर में पाए जाते हैं, ट्यूबरस रूट की तरह है। पाल्मेट रूट में सिर्फ इतना फर्क है कि ये ह्यूमन के पाम जैसे दिखाई देते हैं। नोड्यूलस रूट में नोड्यूल्स प्रेजेंट है, मोनिली फॉर्म में या बीडेड रूट के अंदर रेगुलर इंटरवल पर बीट जैसे स्ट्रक्चर या स्वेलिंग मिलती है, और एनिलेटेड रूट्स में एन्यूल्स राइक रिंग मिल रही है, साइकोट्रोकिया इसके एग्जाम्पल है। तो आपको एटलीस्ट एक एग्जाम्पल यहाँ ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्लास में काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैकेनिकल सपोर्ट में पढ़ेंगे कि प्रॉप रूट क्या होती है, स्टिल्ट रूट क्या होती है, एसेट्रा एसेट्रा। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर अप टू दिस। सो अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।